दोस्तों यार आप लोग सही सोच रहे हो यार, हमें फिर से जेल हो गई है। और ना यार इस बार ना जैक भैया ने कुछ नहीं किया यार, इस बार किसी और की वजह से हमें जेल हुई है। ओए हाँ, इस बार ये मनहूस पपीता की वजह से हमें जेल हुई है। अरे जैक भैया पागल हो क्या, झूठ क्यों कह रहे हो? आपकी वजह से जेल हुई है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपकी वजह से मुझे फिर से जेल हो गई। ओए चुप कर जा टकरे, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आज पपीते की वजह से हुआ है। ए कुछ भी, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी गलती है। ओए चुप कर, अब मैं सबको तेरी सच्चाई बताता हूँ। दोस्तों तुमको याद है ना पिछले माइनक्राफ्ट के एपिसोड में ये पपीता हमारे पॉट में रह रहा था? हाँ यार मुझे याद है। ए नहीं, मैं तो वहाँ पे गिर गया था गलती से। ओए चुप कर जा। अरे जैक भैया फिर आगे बताओ ना, आगे क्या हुआ? ओए फिर ना मैंने ये पपीते को हमारे घर से निकाल दिया था, और फिर ये बेशरम के पास घर नहीं था ना, इसलिए लिटरली छुपके से पड़ोसियों के टॉयलेट में जाके रहने लग गया। और फिर जब पड़ोसियों को वॉशरूम आया और फिर वो वॉशरूम गए ना, तो उन्होंने देखा कि ये पपीता उनके टॉयलेट में मरा पड़ा था, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने इसको जेल में डाल दिया। और ये पपीता भी तो खाता है, इसलिए फिर पुलिस के सामने हम पे इल्जाम लगा देना, इसलिए पुलिस ने हमको भी जेल में डाल दिया। अरे वो सब तो ठीक है यार, यहाँ पे मुझे कंप्यूटर मिल जाएगा ना, क्योंकि ना मैं कंप्यूटर से अपनी ऑनलाइन ट्यूशन कर लूंगा। ओए पजामे में जिंदगी भर की जेल हो गई और तुझे ट्यूशन की पड़ी है। अरे यार ये कैसा सा जेल है यार, ये देखो यार यहाँ पे तो आसपास कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम अकेले हैं और यहाँ की तो दीवारें भी नीली है। हाँ यार जेल की दीवारें थोड़ी नीली होती है। ओए मैं बताता हूँ ना, ये पपीते को पॉट कुछ ज्यादा ही पसंद है ना, इसलिए पुलिस ने हमको स्पेशली ये नाली के अंदर वाले जेल में डाला है। नॉर्मल जेल होता तो समझ भी आता, ये पागल पपीते की वजह से हमें ये बासी नाली की जेल में रहना पड़ेगा। अरे ये क्या, अरे बाबा यहाँ पे तो आसपास कोई भी नहीं है, मैं छुट्टा किससे मांगू? अरे बाबा अरे दोस्तों ये देखो यहाँ का बेड कितना मस्त है, हम तो यहाँ पे कूद सकते हैं। ओए पागल टकले, एक तो हमें यहाँ पे जेल होगी और तुझे यहाँ पे कूदने की पड़ी है। अरे दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ पे कुछ तो है। अरे ये क्या हुआ? अरे मसाऊ तो कूदते कूदते मसाऊ ने कोई सीक्रेट रास्ता खो दिया। बहुत बढ़िया, गंज ने तो अपने टकले से छत तोड़ दी भाई, बहुत बढ़िया। ऐसी अपने टकले से सारी दीवारें तोड़ ले, फिर हम ये नाली वाले जेल को एस्केप कर लेंगे। अरे दोस्तों ये देखो यार, ऊपर तो एक लीवर भी था, मैंने लीवर दबा दिया, इससे कुछ तो हुआ। अरे क्या हो गया, ये दरवाजा तो अभी तक बंद है। अरे दोस्तों ये देखो यार, ये पॉट तो पहले बंद था, ये लीवर से ये पॉट खुल गया। ये क्या बदतमीजी है, लीवर से दरवाजा भी नहीं खुला, ये सड़वा पॉट खुला है, इसका हम क्या ही करेंगे ये सड़े हुए पॉट का? पपीते सारी तेरी गलती है, तेरी वजह से हम ये नाली के जेल में फंसे हैं, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे पॉट में रहना ज्यादा पसंद है ना, ये ले पॉट में ही रह, तू ऊपर से बंद भी कर दिया है मैंने, फंसे रहे पॉट के अंदर पूरी जिंदगी। ए निकालो मुझे, निकालो मुझे। अरे चुप कर पपीते, तेरी वजह से ही हम यहाँ पे फंसे, तुझे तो मैं पॉट के अंदर ही रखूंगा, अब तुझे बाहर नहीं आने देंगे। ओए हाँ बेटे, अब तो तुझे फ्लश कर देंगे। ए ये क्या है, अरे क्या हुआ चीता, क्या है? ए यहाँ पे तो बाहर जाने का रास्ता है, मैं जा रहा हूँ बाहर, अब तुम लोग फंसे रहो जेल में पूरी जिंदगी। ओए क्या कह रहा है ये? अरे ये क्या यार, ये चीता तो कह रहा है पॉट के अंदर ये जेल एस्केप करने का रास्ता है यार, बाहर जाने का रास्ता है, तो यार अगर हमें जेल एस्केप करना है तो यार हमें पॉट में जाना पड़ेगा। ओए ये क्या बदतमीज है, एक तो ये पागल पपीते की वजह से हमें वैसे ये नाली के अंदर वाले जेल में रहना पड़ रहा है भाई, मैं पॉट के अंदर नहीं जाऊंगा। अरे हाँ यार ये पागल हो गया क्या, पॉट के अंदर कौन ही जाता है? ए मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। अरे रुक रे बाबा, पपीते तू अकेले अकेले पॉट के अंदर के कीड़ों से छुट्टा नहीं मांग सकता? रे बाबा मैं भी आ रहा हूँ छुट्टा मांगने के लिए। अरे यार मैं भी आ रहा हूँ यार, दोस्तों यार चल लेते हैं यार, वैसे भी हमें पूरी जिंदगी जेल में नहीं रहना यार, चल लेते हैं। हाँ यार ठीक है यार, मैं तो यहाँ पे एक्शन कमिंग भी नहीं देख सकता, इसलिए चलो यार चल ही लेते हैं। ओए ठीक है, हम भी आगे पॉट में। चल पपीते बताओ सीक्रेट रास्ता कहाँ पे है? ए नहीं मैं तो झूठ कह रहा था, यहाँ पे कोई रास्ता वास्ता नहीं, अब तुम लोग भी मेरे साथ यहाँ पे पॉट में फंसे हुए हो। पपीता तू पागल है क्या, तेरे घटिया मजाक की वजह से हम सब यहाँ पे पॉट में फंस गए, अब तो बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, पहले कम से कम हमारे पास कमरा तो था ना, अब तो हमारे पास चलने की भी जगह नहीं है, तेरी वजह से पॉट में फंस गए हम सब। अब तेरी वजह से दुनिया वाले क्या सोचेंगे कि इस दुनिया का राजा जैक द फौजी पॉट में गिर के फंस गया है। अरे तो कहीं फर्क पड़ता है रे बाबा, मजा आएगा, अब हम सब साथ में मिलके यहाँ की नाली के कीड़ों से छुट्टा मांगेंगे रे बाबा। अरे यार दोस्तों मेरी ना ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट होने वाली है, इसलिए ना अब तुम लोग चुप रहना, मैं यहाँ पे अपनी ऑनलाइन ट्यूशन करूंगा। अरे दोस्तों ये देखो यार, मुझे तो जमीन पे एक छुपी हुई चेस्ट मिली यार, इसके अंदर तो एक बटन था। ओए पजामे एक सड़ा सा बटन ही तो मिला, तू इतना खुश क्यों हो रहा है, क्या ही करेगा तू इस बटन को, अपने पजामे में लगाएगा क्या? अरे पता नहीं यार, लेकिन बटन मिला ये कहीं तो लगेगा यार। हाँ यार हमें स्पेशली चेस्ट में ये बटन मिला है, तो यार पक्का ये कहीं पे तो लगेगा यार, और अगर ये लग गया तो हमारा ही फायदा होगा। हाँ यार लेकिन मैं हर जगह लगा के देख रहा हूँ यार, ये तो कहीं पे भी नहीं लग रहा। अरे यार ये बटन क्यों नहीं लग रहा यार, बटन कहीं तो लग जाए यार, पता नहीं यार लग क्यों नहीं रहा यार। अरे दोस्तों ये बटन तो लग गया, जल्दी से बटन दबा। अरे दोस्तों ये क्या, ये बटन दबाते ही हम तो एकदम बाहर टेलीपोर्ट हो गए और हमारा ये दरवाजा भी खुल गया था अपने आप। अरे बहुत बढ़िया यार, हम तो हमारे जेल से बाहर आ गए, हमने जेल एस्केप कर लिया।
भैया। ओए बहुत बढ़िया, अब आखिरकार हमें वो सड़े से पॉट में तो नहीं रहना पड़ेगा। भाई पपीते तू सड़े से पॉट में रह कैसे रहता है, इतनी बास आती है वहाँ पे। ए कुछ भी, मैं पॉट वॉट में नहीं रहता, मैं तो मैंशन में रहता हूँ। और चुप रहे मैंशन वाले, जब देखो पॉट में सोया पड़ा रहता है। अरे दूसरी देखो, ये तो यहाँ की खाने वाली जगह है। ओए बहुत बढ़िया, मुझे भूख ही लग रही थी। ए शेफ जल्दी से मेरे को खाना बना के दे। हाँ यार, हम सबके लिए खाना बना दे। ए मेरे लिए भी बना दे। ओए नहीं नहीं, ये पीले बाल वाले चिंपैंजी के लिए खाना मत बनाइयो, ये ना ऑलरेडी पॉट से खाना खा चुका है। अरे यार दोस्तों यार, लेकिन हमें अभी तक बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला यार, ये देखो यार ये पूरी जगह लॉक्ड है। हाँ यार, यहाँ पे बाहर जाने का तो रास्ता ही नहीं है, मैं हर कमरे में जाके देखता हूँ, क्या पता कहीं पे कुछ मिल जाए। कैसा गरीब जेल है, मैं लिटरली हर कमरे की चेस्ट में जाके देख रहा हूँ। हर कमरे में चेस्ट तो पड़ी है, लेकिन चेस्ट के अंदर कुछ नहीं पड़ा, हर चेस्ट खाली है। अरे क्या दोस्तों, ये देखो मुझे तो एक चेस्ट में कुछ कोड जैसा कुछ मिला। अरे ये क्या चीज है। अरे पता नहीं यार, कुछ घटिया सी फालतू चीज है यार, इसको फेंक दो। अरे नहीं यार शिनचान, मुझे लग रहा है कुछ काम का यार, मैं इसको एकदम सही से हमारी इन्वेंटरी में रख लेता हूँ। ओए बजा में पागल है क्या, हमें यहाँ पे जेल एस्केप करना है, ऐसी फालतू की चीजें संभाल के रखनी है। अरे दोस्तों मुझे एक चेस्ट में लीवर भी मिला। अरे दोस्तों ये देखो, ये वाले कमरे के अंदर कुछ अलग सा ट्रैप डोर बनी हुई है जमीन पे। ओए चलो फिर ये वाले कमरे के अंदर चलते हैं। अरे नहीं यार, ये देखो यार, ये वाले कमरे के लिए लीवर ही नहीं है यार, इस हम ये वाले कमरे के अंदर नहीं जा सकते। हाँ यार ये देखो, मेरे हाथ में लीवर तो है, लेकिन मैं उसको प्लेस भी नहीं कर पा रहा। ओए कोई बात नहीं, गंज के टकले से दरवाजा तोड़ देते हैं, वैसे भी उसके टकले से ये सारी चीजें टूट ही जाती है। अरे जैक भैया पागल हो क्या। अरे दोस्तों ये देखो, मैं तो किसी कमरे में आ गई, यहाँ पे तो माइनिंग रूम सा बना हुआ है। और यहाँ पे तो कोई है भी, और चेस्ट में एक आयरन पिकैक्स भी पड़ी है। ओए यार, लेकिन हमें ये जेल एस्केप कैसे करना है। ओए हरे बंदा तू तो बता दे कि जेल कैसे एस्केप करना है। ओए बता ना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कीड़े ये ले जरा सर ही तोड़ दूंगा। आया बड़ा कुछ बताता नहीं है। ओए अब तो मैंने तेरा सर भी तोड़ दिया भाई, अब तो बता दे जेल कैसे एस्केप करना है। ओ सॉरी, तेरे पास तो मुंह ही नहीं है बताने के लिए, ये ले तेरा सर वापस लगा दिया, अब तेरे पास मुंह है ना, अब बता जेल कैसे एस्केप करना है। ओए कैसा बेशरम है, कुछ बता क्यों नहीं रहा भाई, अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू बताएगा नहीं ना जेल कैसे एस्केप करना है, ये ले मैं तेरी पैंट उतार दूंगा। शर्म को देखो, इसकी पैंट उतार दिया फिर भी कुछ नहीं बता रहा है। अरे क्या रे बाबा, इस जेल में तो कोई इंसान है, इंसान छुट्टा दे दे रे बाबा, छुट्टा दे दे। अरे छुट्टा नहीं, छुट्टा तो बकवास होता है, तू मुझे भीख दे दे रे बाबा, भीख दे दे। अरे भिखोशी तू तो गरीब है रे बाबा, छुट्टा बेस्ट होता है रे बाबा, भीख तो सबसे सड़ी हुई होती है रे बाबा। गरीब छुट्टे मांगने वाले सस्ते भिखारी, मेरी भीख को कैसे बोला, प्रोफेशनल भिखारी हूं मैं। अरे तू प्रोफेशनल भिखारी तो तू रो क्यों रहे रे बाबा, छुट्टा बेस्ट होता है रे बाबा, तेरी सड़ी हुई भीख से तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन छुट्टा मिलता है, छुट्टे से चिप्स खरीद सकते हैं रे बाबा। तेरी सड़ी हुई भीख से तो कुछ भी नहीं कर सकते रे बाबा। ए, ज्यादा मत बोल छुट्टे, तुझे तो दो दो, हमने सड़े से छुट्टे से सिर्फ 2-3 चिप्स ले सकते है ना, मुझे भीख में करोड़ों चिप्स मिलते हैं। ओए चुप रह, झूठ बोलना बंद कर भिखोशी, तुझे सच बोलना कि तुझे भीख में चिप्स क्या, चिप्स के फटे हुए रैपर भी नहीं मिलते है। अरे हाँ रे बाबा जैक भैया, आपने सही बोला, मैं कम से कम अपने छुट्टे से चिप्स तो खरीद सकता हूँ, ये भिखोशी को तो भीख में फटे हुए रैपर भी नहीं मिलते, जमीन पे गिरे हुए चिप्स खाते है ये भिखारी। अरे यार पता नहीं यार, मैं तो यहाँ पे माइनिंग करके देखता हूँ। अरे दोस्तों वीके ये देखो यार, मुझे तो माइनिंग करते करते डायमंड मिल गया यार। ए बहुत बढ़िया डायमंड मिल गया भाई साहब। ओ भाई डायमंड मिल गए। ओए पपीते तो तू इतना खुश क्यों हो रहा है भाई, तूने कभी अपनी जिंदगी में डायमंड नहीं देखे क्या, एक डायमंड नहीं तो मिला, ऐसे खुश हो रहा है जैसे 1000 नेदरराइट मिल गए इस गधे को। अरे दोस्तों यार भूख लग रही है यार, अभी तक तो मेरे 100 चोको चिप्स बन गए होंगे यार। ओए हां भाई शेफ जल्दी से खाना दे, हमने जो उनसे खाने का ऑर्डर दिया था जल्दी खाना खिला हमें, और ना ये पपीते को कुछ मत दियो, इसने पॉट से खाना खा लिया था। ओए ये क्या बदतमीजी है, मैंने तो खाने के लिए खाना मांगा था, तूने ये बासी सेब क्यों पकड़ा दिया मुझे। हाँ तो तूने ही बोला था तुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, खाने के लिए सेब खा ले, सेब मस्त होता है। अरे लेकिन अंकल मैंने खाने के लिए 100 चोको चिप्स मांगे थे, मैंने चोको चिप्स खाए हैं। अरे ये जो बासी सेब है इसी के अंदर 100 बीज है, वो 100 बीज खा ले, बीज ना चोको चिप्स ही होते हैं। ओए पागल है क्या, बीज कौन खाता है शिनचान, इसका बीज मत खाइयो, और ना मेरे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए मांगा था, तेरा बासी सेब क्यों खाऊं मैं। अरे खा लो ना एप्पल मस्त होता है। ओए चुप रह पजामे, तू ही खा ले उसका 100 साल पुराना बासी सेब, पागल है तू शेफ, ठीक है निकल यहाँ से, तेरे कपड़े उतार लूंगा मैं।
पूरी दोस्तों ही देखो, मुझे तो जमीन में एक चेस्ट मिली। अरे ये चेस्ट के अंदर क्या है? अरे यार इसमें तो एक अजीब सा मैप है यार। ओ ये कैसा मैप है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार मैप में लिखा है गोल्डन एप्पल प्लस डायमंड, इसका क्या मतलब हो सकता है? ओए मुझे क्या पता, पजामे तू ही साइंटिस्ट है, तू ही बताना। अरे यार मुझे लग रहा है ये गोल्डन एप्पल प्लस डायमंड लिखा है ना, हमें हमारे पास डायमंड तो है ही, हमें गोल्डन एप्पल ढूंढना है। अरे यार अब यहाँ पे गोल्डन एप्पल कहाँ से मिलेगा यार? ओए वो सब मुझे नहीं पता, मैंने ये शेफ की पैंट भी चुरा ली, इसके तो मैं सारे कपड़े चुरा लूंगा। आया बड़ा मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं दिया ना कीड़े, तेरी तो मुंडी भी चुरा लूंगा मैं। ओए ये क्या हुआ, मैंने जैसे ही इसकी मुंडी चुरा के पहनी मैं तो इसके ये खाने वाली जगह में घुस गया। अरे जेंग में ये अपनी कैसे क्या? ओए मुझे नहीं पता। अरे बहुत बढ़िया यार, अब तो हम इसके खाने वाली जगह में आ गए यार, यहाँ की चेस्ट में देखो क्या पता कुछ मिल जाए। ओ यार यहाँ पे खाने के लिए देखो सामान पड़ा है। ओए इस झूठे शेफ को तो देखो, कह रहा था खाने के लिए सिर्फ बासी सेब है। इसकी पीछे चेस्ट को तो देखो, चेस्ट के अंदर इतना सारा खाना पड़ा था और यहाँ पे मुझे बासी सेब खिला रहा था ये पागल। अरे यार ये देखो ये वाली चेस्ट में तो सारे एप्पल पड़े है। अरे शिनचान ये देख, इसमें तो ये एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी पड़ा है। अरे तू क्या हो गया कुजामा, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल ही तो है। अरे यार ये मैप को भूल गए, ये देखो मैप में लिखा था गोल्डन एप्पल प्लस डायमंड, अब हमारे पास दोनों चीजें हैं यार। हम इसको अगर यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल में डालेंगे तो क्या पता कुछ हो जाएगा। अरे कुजामा कुछ भी नहीं हुआ। ओए पजामे पागल है क्या, फालतू में टाइम पास करा दिया, देख कुछ भी नहीं हुआ इसको ऐसे करने से। अरे यार मतलब ये जेल को एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है, हम पूरी जिंदगी के लिए जेल में कैद हो गए हैं। ओए हाँ ये पागल पपीते की वजह से हम सबको ये नाली के जेल में रहना पड़ रहा है। भाई पपीता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, डायमंड वायमंड भी नहीं चाहिए मुझे, फेंक दूंगा मैं ये फालतू के डायमंड्स को। अरे ये क्या भाई, ये डायमंड और गोल्डन एप्पल मिक्स कैसे हो गए? अरे ये मिक्स होके क्या बन गए, जेल ब्रेकर? तो यार गाइस अगर आपको जानना है कि इसके बाद शिनचान और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ, तो यार जल्दी से ना आज की वीडियो को लाइक कर दो। 7000 लाइक्स पे इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। चैनल पे नहीं हो तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।